धैर्य रखो, जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे तब भी मन में एक आशा रखो कि प्रकाश की कोई ना कोई किरण कहीं ना कहीं से उदय होगी और तुम डूब ना पाओगे, पार लगोगे। इसलिए धैर्य रखो, और धैर्य की मदद से हम उन कामों में भी सफल हो जाते जिन कामों में हमें असफलता नजर आती है। इसलिए हमें हमेशा पेशेंस रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। और जो भी लोग, जो भी इंसान धैर्य रखते वो आधी लड़ाई तो धैर्य से ही जीत जाते, बस आधी लड़ाई फिर बाकी रहती है जिसे हमें मेहनत करके, हार्डवर्क करके, कंसिस्टेंसी से उसको, उस लड़ाई को जीतना है। और हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में सबसे पहले रिवीजन पे फोकस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और हम हर रोज कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक्स लर्न कर रहे हैं, नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ हम गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बार की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप जैसे अभी स्टडी कर रहे हो उस पे कंटिन्यू करो, कंसिस्टेंटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डाउट्स सॉल्व करो, रिविजन्स करो नोट्स की, क्योंकि एग्जाम में जो ज्यादा मेहनत करेगा वही सक्सेसफुल होगा। इसलिए हमें सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सारे नोट्स की रिवीजन करनी है बार बार, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। तो देखते हैं आज का जो हमारा कंसेप्ट है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक कंसेप्ट जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है एंड बहुत कॉमन है, कि जो फेवरेट कंसेप्ट है सारे एग्जामिनर्स का, न्यूकूप सेंटर, जो कि एम्फीबिया में हम डिस्कस करते हैं। तो एम्फीबिया में हम ये डिस्कस करते हैं कि आफ्टर फर्टिलेशन कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म में रोटेशन होता है, मतलब स्पर्म बाइंडिंग के बाद कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म रोटेट होता है, और कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म रोटेट होने के बाद जो भी डॉर्सल साइड है वहां पे एक सिग्नल एक्टिवेट होता है, इस सिग्नल का नाम है बीटा कैटेनिन। तो डॉर्सल साइड के सेल्स में ये देखिए एक सिग्नल है कि जो एक्टिवेट हुआ, इस सिग्नल का नाम है बीटा कैटेनिन, एंड बीटा कैटेनिन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है डॉर्सल साइड में। तो यहाँ पे बीटा कैटेनिन स्टेबलाइज हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा है बीटा कैटेनिन का स्टेबलाइजेशन, और वेंट्रल साइड में बीटा कैटेनिन अभी भी इनएक्टिव है, तो यहाँ पे बीटा कैटेनिन एक्टिव हुआ, करेक्ट, आफ्टर कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म रोटेशन। और वेंट्रल साइड में अभी भी बीटा कैटेनिन इनएक्टिव है, सो यहाँ पे अभी भी इनएक्टिव बीटा कैटेनिन है, इनएक्टिव बीटा कैटेनिन। नाउ तो डॉर्सल साइड में जहां पे बीटा कैटेनिन एक्टिवेट होता है वहां पे वो न्यूक्लियस में जाता है, और न्यूक्लियस में जाके वो क्या करता है, वो एक TCF3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वहां पे जाके बाइंड होता है। तो देखो जहां पे वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड में तो बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में नहीं गया, वो साइटोप्लाज्म में इनएक्टिवेट है, इसलिए यहाँ पे जीन तो रिप्रेस रहते हैं, TCF3 अकेला जब रहता है तो वो जीन को रिप्रेस करता है। एंड डॉर्सल साइड में बीटा कैटेनिन एक्टिव हुआ है तो बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में जाता है, TCF3 को जाके बाइंड होता है, TCF3 प्लस बीटा कैटेनिन जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, और जीन्स एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे CMOH ट्विन प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन होता है। जैसे ही CMOH ट्विन प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं तो CMOH ट्विन प्रोटीन प्लस नोडल रिलेटेड प्रोटीन, ये तीनों मिला के यहाँ पे गुस्क्वाइड जीन का एक्सप्रेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, जहां पे कॉर्डिने, नॉगिने, गुस्क्वाइड जीन का एक्सप्रेशन होता है, एंड जहां पे फिर ऑर्गेनाइजर प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं वहां पे कॉर्डिन, नॉगिन, गुस्क्वाइड जीन्स एक्सप्रेस होंगे, एंड ये प्रोटीन्स वहां पे बनते हैं। तो डॉर्सल साइड में बीटा कैटेनिन एक्टिवेट हुआ तो न्यूक्लियस में जाएगा, TCF3 को बाइंड होगा, TCF3 प्लस बीटा कैटेनिन एक्टिवेट करेंगे CMOS एंड ट्विन जीन को, एंड CMOS ट्विन प्लस TGF बीटा रिलेटेड प्रोटीन जो हम देखते हैं, ये दोनों में लगे गुस्क्वाइड को एक्सप्रेस करेंगे, एंड फिर गुस्क्वाइड ऑर्गेनाइजर के जीन को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे दो टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं जो कॉमनली हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बनते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन्स जो एम्फीबिया में प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियर प्रोटीन जो है, ये न्यूक्लियर प्रोटीन्स कौन से, तो यहाँ पे आते हैं CMOS जीन, CMOS प्रोटीन है, ट्विन प्रोटीन है, एज वेल एज यहाँ पे हम देखते हैं कि CMOS ट्विन OTX है, ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ओके सो दीज आर ऑल द, जैसे बीटा कैटेनिन है ये
जनरली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन्स में आते हैं। तो बीटा कैटेनिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ऑलरेडी, बट सीएमओएस ट्वीन ओटीएक्स ये सारे जो है वो न्यूक्लियर प्रोटीन्स में आते हैं। और दूसरा यहाँ पे होते हैं सिक्रेटेड प्रोटीन, सिक्रेटेड प्रोटीन्स। एंड सिक्रेटेड प्रोटीन्स में मेजरली हम देखते हैं यहाँ पे आते हैं नॉगिन, कॉर्डिन, पॉलिस्टेटिन, देन हेजॉग, देन नोडल रिलेटेड प्रोटीन। नोडल रिलेटेड प्रोटीन ये सारे प्रोटीन्स जो है वो सिक्रेटेड प्रोटीन्स में आते हैं। ओके, तो दिस आर द सिक्रेटेड प्रोटीन। तो ये दोनों को भी याद रखना, एक होता है न्यूक्लियर प्रोटीन्स एंड दूसरा होता है सिक्रेटेड प्रोटीन। अब देखो ये जो डॉर्सल साइड है यहाँ पे न्यूकुप सेंटर बनता है। ये जो न्यूकुप सेंटर है इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? तो न्यूकुप सेंटर जो होता है, न्यूकुप सेंटर जहाँ पे बीटा कैटेन एक्टिव होता है वहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है। एंड इसके जो प्रॉपर्टी देखो, तो डॉर्सल साइड में जहाँ पे बीटा कैटेन एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे बीटा कैटेनिन प्लस वेग वन एंड वेग टू होता है। सो बीटा कैटेनिन प्लस वेग वन एंड वेग टू, ये देखो ग्रेडिएंट, ये डॉर्सल साइड में। और वेंट्रल साइड में जो ग्रेडिएंट है वो क्या है? तो वो आपको दिख रहा है वेग वन एंड वेग टू का ग्रेडिएंट है वेंट्रल साइड में। तो जहां पे बीटा कैटेनिन वेग वन वेग टू है, ओके, वेग वन एंड वेग टू, बीटा कैटेनिन वेग वन वेग टू है, वहां पे हमेशा नोडल रिलेटेड प्रोटीन बनता है। इसे जीनोपस नोडल रिलेटेड प्रोटीन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एक्स एन आर प्रोटीन। एंड एक्स एन आर प्रोटीन मीन्स जीनोपस नोडल रिलेटेड प्रोटीन। जहां पे एक्स एन आर प्रोटीन हाई होता है, देखो यहाँ पे एक्स एन आर प्रोटीन, जहां पे भी एक्स एन आर प्रोटीन हाई होता है वहां पे न्यूकुप सेंटर बनता है। तो न्यूकुप सेंटर हमेशा डॉर्सल मोस्ट वेजिटल रीजन में बनता है जहां पे एक्स एन आर प्रोटीन हाई होता है। ओके, तो इस वाले रीजन में न्यूकुप सेंटर फॉर्मेशन हुआ जो कि एक्स एन आर प्रोटीन की वजह से हुआ। एंड ये जो न्यूकुप सेंटर है जो यहाँ पे बना, इस न्यूकुप सेंटर के कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे न्यूकुप सेंटर के क्या प्रॉपर्टी है मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको याद रखने, न्यूकुप सेंटर। तो देखिए न्यूकुप सेंटर ये सबसे फर्स्ट डॉर्सल मोस्ट एंड वेजिटल मोस्ट रीजन है। सो डॉर्सल मोस्ट एंड वेजिटल मोस्ट रीजन है, तो डॉर्सल मोस्ट एंड वेजिटल मोस्ट रीजन मतलब थोड़ा डॉर्सल साइड में भी थोड़ा वेजिटल साइड में। दूसरा, इट इज फॉर्म फ्रॉम मीसोडम एंड एंडोडम सेल्स। फॉर्मेशन किससे होता है? मीसोडम एंड एंडोडम सेल्स से होता है। तो इट इज फॉर्म फ्रॉम द मीसोडम एंड एंडोडम सेल्स। इट इंड्यूस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। ये क्या करता है? ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है। सो न्यूकुप सेंटर इंड्यूस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर एंड एज वेल एज न्यूकुप सेंटर यहाँ पे हाई एक्स एन आर प्रोटीन होता है। तो हाई एक्स एन आर प्रोटीन का ग्रेडियंट होता है। सो न्यूकुप सेंटर में ये जो होते हैं वो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक डॉर्सल मोस्ट एंड वेजिटल मोस्ट रीजन, ये डॉर्सल साइड में भी होता है वेजिटल साइड में भी होता है। ये मीसोडम एंडोडम से बनता है, ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है। तो देखो ये जो भी ऊपर के सेल्स है इसका जहां पे ग्रेडियंट है यहां से वो ऊपर के सेल्स है यहां पे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बना रहा है। तो देखो यहां पे ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बन रहा है, ब्लू कलर का जो है वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है। तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का इंडक्शन किसने किया? तो न्यूकुप सेंटर ने किया। तो देखो जहां पे बीटा कैटेनिन है, जहां पे बीटा कैटेनिन प्लस वेग वन वेग टू है, ये वहां पे नोडल रिलेटेड प्रोटीन एक्सप्रेस करता है जो XNR है। और नोडल रिलेटेड प्रोटीन जहां पे एक्सप्रेस होता है वहां पे ऑर्गेनाइजर बनता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, या इसी को स्पीमन्स ऑर्गेनाइजर बोलते हैं जहां से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है। और जहां पे ओनली वेग वन वेग टू है, मतलब अकेले वेग वन वेग टू है, जो कि आपको वेंट्रल साइड में दिखेगा, जहां पे सिर्फ वेग वन वेग टू है, बीटा कैटेनिन नहीं है, वहां पे नोडल रिलेटेड प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होता है, तो वहां पे वेंट्रल मीसोडम बनता है। तो देखो यहाँ पे वेंट्रल मीसोडम बना। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा कहाँ पे न्यूकुप सेंटर बनेगा, जहां पे बीटा कैटेनिन प्लस वेग वन वेग टू, और दूसरा जहां पे सिर्फ वेग वन वेग टू है वहां पे एक्स एन आर का एक्सप्रेशन नहीं होता, तो
तो वहां पे न्यूकुप सेंटर नहीं बनता। तो ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर एंड वेंट्रल मेसोडम। तो जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड में क्या होता है, देखो एक बार प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बना तो ऑर्गेनाइजर में जो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं इनको डॉर्सलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं, कोऑर्डिन, लॉगिन, फॉलिस्टेटिन, दे आर द डॉर्सलाइजिंग फैक्टर्स। ये डॉर्सलाइजिंग फैक्टर है। एंड डॉर्सलाइजिंग फैक्टर्स का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ डॉर्सलाइजिंग फैक्टर? तो डॉर्सलाइजिंग फैक्टर्स का रोल है दे इनिबिट बीएमपी, ये बीएमपी को इनिबिट करते हैं। सो डॉर्सलाइजिंग फैक्टर इनिबिट बीएमपी। एंड यहां पे वेंट्रल साइड में यहां पे होता है बीएमपी फोर, तो बीएमपी फोर है एंड बीएमपी फोर इज द वेंट्रलाइजिंग फैक्टर। ये वेंट्रलाइजिंग फैक्टर है, बीएमपी फोर क्या है, वेंट्रलाइजिंग फैक्टर है। तो डॉर्सल साइड में यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं कोऑर्डिन, लॉगिन, फॉलिस्टेटिन एंड ये इनिबिट करते हैं बीएमपी को। एंड वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड में बीएमपी होता है जो वेंट्रलाइजिंग फैक्टर। तो देखो जहां पे लॉगिन, कोऑर्डिन, फॉलिस्टेटिन है ना वहां पे डॉर्सल साइड बनी, ये डॉर्सल मेसोडम बनता है जहां पे डॉर्सल साइड फॉर्मेशन है और जहां पे बीएमपी है वहां पे वेंट्रल साइड फॉर्मेशन है। दूसरा जहां पे नॉगिन है वहां पे नॉगिन क्या करता है, डॉर्सल एक्टोडम को कन्वर्ट करता है न्यूरल टिश्यू में, तो यहाँ पे न्यूरल टिश्यू बन रहे एंड न्यूरल टिश्यू कौन है, तो डॉर्सल एक्टोडम कन्वर्ट इनटू द न्यूरल टिश्यू। जहां पे नॉगिन है वहां पे डॉर्सल एक्टोडम न्यूरल टिश्यू में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे डॉर्सल एंडोडम है और ये डॉर्सल मेसोडम है जहां पे गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है। तो गैस्ट्रुलेशन जब भी होगा तो आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से ये गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हुआ दिखेगा एमपीपी में। और यहाँ पे जो फर्स्ट ओपनिंग बनी इसे डॉर्सल ब्लास्टोपोर लीप बोलते हैं, तो दिस इज डॉर्सल ब्लास्टोपोर लीप, इसे ये फ्रॉग में एनस में कन्वर्ट होती है और यहाँ पे जहाँ पे स्पर्म बाइंड होता है वहां पे माउथ फॉर्मेशन होगा फ्रॉग का, तो इसे ड्यूट्रोस्ट्रोम मोड ऑफ गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। तो इस तरह से मतलब ये इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर से गैस्ट्रुलेशन इनिशिएशन होगा, तो यहाँ पे इनवेजिनेशन होगा और स्टार्टिंग में ही बॉटल सेल्स होते कि जो बॉटल सेल्स इनवेजिनेट होते, तो यहाँ पे कुछ बॉटल सेल्स होते वो बॉटल सेल्स इनवेजिनेट होते और एक लिप लाइक स्ट्रक्चर बनाते जिसे डॉर्सल लिप बोलते। तो ये बॉटल सेल्स है जो इनवेजिनेशन करें एंड फिर इन्वोल्यूशन होता है जो मेसोडम सेल्स का इन्वोल्यूशन होता है। तो इस तरह से गैस्ट्रुलेशन फिर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर से स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो नॉगिन, कोऑर्डिन, फॉलिस्टेटिन डॉर्सलाइजिंग फैक्टर है जो बीएमपी को इनहिबिट करते हैं, इसलिए डॉर्सल साइड में बीएमपी नहीं होता, बीएमपी ओनली वेंट्रल साइड में होता है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर से इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन होता है। ओके, तो ये न्यूकुप सेंटर के मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। तो न्यूकुप सेंटर के मेजर पॉइंट्स क्या है, तो ये डॉर्सल मोस्ट एंड वेजिटल रीजन है, ये मेसोडम एंडोडम से बनता है, यहाँ पे हाई एक्सएनआर प्रोटीन होता है और न्यूकुप सेंटर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है। बस इतना याद रखना ये चार पॉइंट्स। और यहाँ पे फिर नॉगिन, कोऑर्डिन, फॉलिस्टेटिन ये डॉर्सलाइजिंग फैक्टर है। नॉगिन डॉर्सल एक्टोडम को कन्वर्ट करता है न्यूरल टिश्यू में, नॉगिन इज सफिशियंट टू फॉर्म कंप्लीट एम्ब्रियो। नॉगिन अगर वन सेल यूवी इरेडिकेटेड एम्ब्रियो में आप ऐड करोगे तो नॉगिन कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ओके, सो ये हुआ न्यूकुप सेंटर एंड उसका रोल। अब आप मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर दो, कितना सिंपल पॉइंट है देखिए, लेकिन क्वेश्चंस देखो कितने पूछे गए। द डॉर्सल मोस्ट एंड वेजिटल सेल्स ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो दैट इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग ऑर्गेनाइजर, ये ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है, इट्स कॉल्ड न्यूकुप सेंटर एंड इज मार्क बाय द प्रेजेंस ऑफ। न्यूकुप सेंटर कहां पे बनता है, दिस इज प्रेजेंस ऑफ। यस, कितना सिंपल क्वेश्चन है। यस, अब इस क्वेश्चन का आंसर एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, दे दिया आंसर, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देना, कितना सिंपल, कितनी बार क्वेश्चन और हर एग्जाम में क्वेश्चन है। हा? आप CSIR में देखो, नेट में देखो, DBT में देखो, कोई भी एग्जाम में देखो, ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है। द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन इन न्यूक्लियस ऑफ ब्लास्टोमेर इन डॉर्सल पोर्शन ऑफ द एम्फीबियन एम्ब्रियो इज वन ऑफ द डिटरमिनेंट्स फॉर लेइंग डाउन द डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ एक्सप्रेसिंग डोमिनेंट नेगेटिव फॉर्म GSK3। अगर डोमिनेंट नेगेटिव GSK3 है, डोमिनेंट नेगेटिव का मतलब क्या होता है, सो डोमिनेंट नेगेटिव GSK3 इसका मतलब है कि म्यूटेंट फॉर्म ऑफ GSK3 इनहिबिटिंग नॉर्मल प्रोटीन टू फंक्शन, सो दैट इज लॉस ऑफ फंक्शन,
इसको लॉस ऑफ फंक्शन, अगर जीएस के थ्री लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो क्या होगा फिर, तो दोनों साइड जीएस के थ्री नहीं रहेगा तो दोनों साइड डॉर्सल बनेंगे, एंड दोनों साइड डॉर्सल बनेंगे तो आपको पता है फिर क्या होगा, यस yes? तो क्या होगा, सेकेंड एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे तो वेंट्रल सेल्स में डॉर्सल सेल में बीटा कैटेन एक्टिवेट है तो सेकेंड एक्सिस बनेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बीटा कैटेनिन है, पहले क्वेश्चन का आंसर बीटा कैटेनिन है क्योंकि बीटा कैटेनिन कहाँ पे एक्टिव होगा, वहां पे न्यूक्लियस सेंटर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग एम्फीबियन डेवलपमेंट इज करेक्ट, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एम्फीबियन डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए एम्फीबियन डेवलपमेंट के लिए क्या करेक्ट है, द न्यूक्लियस सेंटर इज फॉर्म ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो ड्यू टू accumulation of beta catenin which helps to activate CMOS and twin chain, okay, the endodermal cells form neural tissue, na endodermal nahi, presence of BFP, presence nahi, ectodermal hona chahiye, yahan pe to yahan pe ectodermal hona chahiye, and presence of BMP nahi, absence of BMP, brain formation require activation of both BINT and BMP, no ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये डॉर्सल एंड वेजिटल होना चाहिए। देर इज ग्रेडियंट ऑफ नोडल रिलेटेड प्रोटीन अक्रॉस एंडोडर्म विथ, अभी यहाँ पे तो डॉर्सल साइड ठीक है, ये अभी लास्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, देर इज ग्रेडियंट ऑफ नोडल रिलेटेड प्रोटीन अक्रॉस एंडोडर्म विथ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डॉर्सल साइड, ये तो गलत ही है, ये गलत है, डॉर्सल साइड में लो नहीं होता है, नोडल रिलेटेड हाई होता है, उल्टा डॉर्सल साइड हाई होता है, लो कैसे हुआ। तो फाइनल जाके अपना स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हुआ, फर्स्ट हुआ, बट फर्स्ट में ये देखो ये डॉर्सल साइड लिखा है ना, यहाँ पे डॉर्सल एंड वेजिटल होना चाहिए, डॉर्सल मोस्ट एंड वेजिटल मोस्ट ये होना चाहिए, दोनों भी साइड में होता है, एक्युमुलेशन विथ हेल्प एक्टिवेट सीएमओएस, ये करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ओके, बाकी सारे रॉन्ग से रॉन्ग ऑप्शन है, यहाँ पे प्रेजेंस गलत है, यहाँ पे विंट बीटा कैटेनिन गलत है, बीएमपी गलत है यहाँ पे, और यहाँ पे लो गलत है, हाई चाहिए। तो ये हो गए सारे क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए, देखिए इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप भी और इस तरह से टॉपिक कीजिए, टॉपिक्स का रिवीजन अभी से कीजिए क्योंकि अभी गेट का एग्जाम भी आ रहा है, बार का एग्जाम भी आ रहा है, तो टॉपिक रिवीजन कंटिन्यू कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, ओके। सो आपको ये सेशन कैसे लगा आप मुझे जरूर बताइए, और आपके जो भी सेशंस होंगे, आपको कौन से टॉपिक पे आपको कंसेप्ट वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो हम उन वीडियोस को भी डिस्कस करेंगे, उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, ओके, और उनके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।